भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से व्यापार कैसा था उसी को देखने के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कई जगह पर अलग अलग तरह के व्यापारिक समुदाय निकल करके आ गए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं वो मारवाड़ियों की बात करते हैं, गुजरातियों की बात करते हैं, ऐसे ही मध्यकालीन भारत में और अंग्रेजों के आने के समय तक भी, उसके बाद भी चलते आए हैं। वैसे पंजाबी और मुल्तानी ये ऐसे व्यापारी हुआ करते थे जो उत्तर भारत था, खासतौर से पंजाब और जो पाकिस्तान आज का है, क्योंकि मुल्तान आज पाकिस्तान में। मुल्तान का सुल्तान मालूम है किसको कहते हैं? सहवाग को कहते हैं, क्योंकि उसने 300 रन से ज्यादा बनाए थे, एक मैच हुआ था क्रिकेट मैच, तो मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है सहवाग को। तो वही मुल्तान के जो व्यापारी हुआ करते थे उनको बोला जाता था मुल्तानी। तो ऐसी मुल्तानी मिट्टी भी होती है, बहुत सारे लोग लगाते हैं उसको, खासतौर से लड़कियां उसको यूज करती हैं, तो वो भी वहीं से आया करती थी। ये हमारा देश तब एक ही हुआ करता था, बाद में उसका विभाजन हो गया, तो वहां के ये व्यापारी हुआ करते थे। ऐसे ही भट्ट व्यापारी हैं जो राजस्थान और गुजरात। अब एक बात यहाँ पे समझना चाहिए कि जो हम लोग इतिहास की बात करते हैं ना, तो उस समय पर राजस्थान या गुजरात जो आज हैं एग्जैक्टली वो नहीं हुआ करते थे। अलग अलग तरह की सीमाएं बदलती रही हैं, पूरे देश की सीमा नहीं बदली है, लेकिन देश के अंदर राज्यों की सीमाएं, कोई पहले राजा रूल करता था तो उसकी सीमा, ये सब एकदम फिक्स्ड नहीं होती थी, बदलती रहती थी, है ना। तो आज का जो गुजरात और राजस्थान है उसका अधिकांश क्षेत्र ऐसा था जहां पर इन व्यापारियों के समूह को क्या बोला जाता था, भट कहा जाता था। और ऐसे ही जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, यानी कि और थोड़ा नीचे चले जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ भी देखेंगे तो वहां पर, और गुजरात का भी काफी हिस्सा था, वहां पर इनको महाजन भी बोला जाता था। और आज भी महाजन भट्ट इस तरह की कम्युनिटीज चल रही है, लोग अपना सरनेम इस तरह का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो बहुत ही आसान चीज है, व्यापारियों के वर्ग के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यवसाय करने वाले लोग भी आ गए। वकील आ गए, डॉक्टर्स तो नहीं हुआ करते थे, कोई ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती थी जैसे आजकल मेडिकल साइंस है, तो नीम हकीम है ना, और ऐसा कई लोग ऐसे भी जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, तो उनके लिए भी बोला जाता है नीम हकीम खतराए जान, कि कैसे भी ऐसे दवाई उल्टी सीधी खा लोगे अगर आप तो आपको खतरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी पहले जमाने में कुछ चीजों का जानकारी तो हुआ करती थी, तो हकीम हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, वकील थे, पंडित और मौलवी, इन लोगों का स्कूल में पढ़ाने का काम हुआ करता था। और प्रॉपर फॉर्मल स्कूल्स नहीं होते थे, लेकिन अलग अलग जैसे अपने यहाँ गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, ऐसे ही जो मुस्लिम्स हैं उनमें मौलवी साहब पढ़ाया करते थे। चित्रकार और संगीतकार, इनकी देखिए समय के साथ, आज भी चित्रकार आपको मिलेंगे, समय के साथ इनका रोल बदलता रहता है। पहले क्या होता था, आज आपको गाना सुनने का मन है, बहुत ही आसान है, फ्री में अवेलेबल आप सुन सकते हैं। अगर अकबर का गाना सुनने का मन होता था तो उन्हें तानसेन को बुलाना पड़ता था, है ना, और तानसेन साहब गाते थे। तो जो बहुत ही पैसे वाले लोग थे वो इस तरह की चीजें को बियर कर सकते थे, उनको देख सकते थे, बाकी लोग, और साथ में आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो हो सकता है कि एक बार तानसेन जी ने कोई चीज बहुत ही अच्छी गाई और दोबारा वो आप नहीं गा पा रहे हो, ये भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड करने की चीजें नहीं थी। तो आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी ने आपको कितनी सारी चीजें दे दी, जो इतने बड़े बड़े, इतने पैसे वाले लोग और जिनके पास इतना बड़ा बड़ा साम्राज्य था, उन लोगों के पास भी नहीं हुआ करती थी। ये टेक्नोलॉजी की ताकत है। तो ऐसे ही चित्रकार और संगीतकार, फोटो खींचवाने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा होते थे जो बड़े बड़े पेंटर्स को बुलाते थे कि आप अच्छा बना लेते हो चित्र, तो वो अपने को आगे की पीढ़ियां देख पाए इसलिए बनवाते थे। लेकिन आज तो आप फोटो खींच के डाल सकते हो, है ना, सारे लोगों के पास मोबाइल फोन से कैसे भी खींच करके डाल दो, और वो ज्यादा सही फोटो होती है, वो एक्चुअल लग रहा होता है। पहले के तो बहुत सारे चित्रकार उतनी अच्छा नहीं बना सकते थे, तो वो सारी चीजें भी रहती थी। ये सुलेखक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं कैलीग्राफर्स, क्या होता है कि लिखने का काम करते थे। तो कई चीजें ऐसी होती जिनको बहुत अच्छे से लिख करके रखना है, तो ये लोग उसको पूरा नोट करके लिखा करते थे, तो इनका काम होता था। अब उसकी भी जरूरत बहुत कम होती जा रही है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं, ठीक है। ऐसे ही एक चीज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आती है, वो आती है किसकी, महाजन और इस तरह के जो भी लोग थे, व्यापारी थे ना, इन लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे थे। क्या बना रखे थे? एक संगठन बना रखा था, और उस संगठन को हम लोग बोला करते थे गिल्ड। क्या बोलते थे? गिल्ड। इंग्लिश का ही शब्द है, हिंदी में भी इसको ऐसे यूज करते हैं, GYLD, और कई हुआ करते थे, इसके में मैंने लिखा हुआ है गिल्ड्स, ठीक है। क्या होती थी? मर्चेंट कॉर्पोरेशन, एक तरह की फॉर्मल बॉडी होती थी। फॉर्मल समझते हैं, फॉर्मल मतलब होती है औपचारिक, जैसे आपको इंटरव्यू देने जाना है तो आप फुल पैंट पहन करके जाओगे, फुल शर्ट पहनोगे, टाई लगा के जा सकते हो, है ना। आपके जो शूज हैं वो भी ऐसा नहीं होगा कि शादी वाले सहनाई वाले शूज पहन के चले गए, आपके काले जूते होंगे या फिर जो भी होगा फॉर्मल शूज होंगे। फॉर्मल मतलब एकदम जहां पर इस तरह की व्यवस्था चल रही हो, जैसे अपने यहाँ 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, तो उस समय पर आप देखेंगे सरकारी कर्मचारी अपने अपने ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा व्यवस्थित होकर के जाते हैं। तो वो एक तरह के का इवेंट होता है जिसमें आपको अपनी गरिमा बना करके रखना होता है, आपको उस तरह से ही रहना होता है। वैसे ही फॉर्मल का चीज होता है जो लिखित पढ़त में आ रही हो, जिसका एक सिस्टम हो,
उसको बोलते हैं फॉर्मल, और दूसरा होता है उसका उल्टा, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल या फिर कैजुअल। क्या बोलते हैं? कैजुअल या इनफॉर्मल। क्या होता है? ये जींस पहन लिया है या शॉर्ट्स पहन के चले गए हैं, टी शर्ट पहन ली है, आराम से आकर के कर रहे हैं। अब दोनों के अपना अपना महत्व है। फॉर्मल होना हमेशा अच्छा नहीं है, क्योंकि कई बार फॉर्मल होने की वजह से बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी मत करो यार, क्योंकि फॉर्मेलिटी खुद से टाइम पर बात कर रही होती है। बहुत बार ऐसा होता है आपको फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी में जो मेन काम है वो रह गया है ना। तो ये क्या हुआ करते थे, ये औपचारिक होते थे। औपचारिकता का एक चीज तो फायदा होती है कि उसमें सिंसियरिटी होती है, वो चीज सीरियस होती है। तो ये क्या करते थे, इनका उद्देश्य ये होता था कि भाई जो व्यापारी है ना, राजा महाराजा आपस में लड़ते रहते थे, और राजा और महाराजा आपस में लड़ रहे हैं, उसके बीच में जो व्यापार है वो चलता रहे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता रहे। और राजा महाराजा भी इनकी बात ठीक से सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि राजाओं को चाहिए होता था पैसा। क्या चाहिए होता? पैसा। राजाओं द्वारा भी इनको स्वीकार किया जाता था। क्यों? क्योंकि उद्योग और व्यापार इन दोनों पर लगाया जाता था टैक्स, और उस टैक्स से इनका काम चलता था। जो भी राज अब किसी भी राज्य को चलने के लिए टैक्स की जरूरत होती है। आज भी हम लोग को टैक्स लगता है, इनकम टैक्स बहुत कम लोग भारत में देते हैं, क्योंकि उस तरह की आय ग्रुप में आते भी नहीं, और बहुत लोग टैक्स की चोरी भी करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स वो भी जो कंपनीज है वो देती है, बट इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी है सारे लोग ही देते हैं। कुछ भी आप खरीदोगे उस पर टैक्स लगेगा। लगभग लगभग बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिन पर 0% टैक्स लगता है, जो एकदम बेसिक मानी आती है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें फॉर्मल होने का मतलब क्या हुआ, एक चीज ये भी है कि नियम बनाए। मैंने बताया ना कि कुछ होता है सिस्टम होता है, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि नियम होते हैं, कौन सदस्य बनेगा, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, इस तरह की चीजें रहा करती थी। और साथ में कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आप लोगों ने सुना होगा जब चुनाव वगैरह आते हैं तो ऐसा होता है कि आचार संहिता लग गई है, आप कुछ नहीं कर सकते, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। क्या क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि अब बहुत सारी चीजें ऐसी, किस तरह से आपको अपना चुनाव प्रसार करना है, किसी दूसरे के धर्म को भड़काना नहीं है, किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी है, धर्म का सहारा लेकर के वोट्स नहीं मांगने हैं, देश के विभाजन की बात नहीं करनी है वोट मांगते टाइम पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है हमारे कानून की जो आचार संहिता है उसमें, ऐसे इनकी अपनी आचार संहिता होती थी। आचार संहिता, आचार मतलब क्या था, आचार व्यवहार, आप किस तरह से व्यवहार करोगे, आपके कहां कहां पर क्या क्या चीज करना है, तो ये सब बना करके रखते थे। और इनका मेन काम वही है कि व्यापारी लोग का क्या, उनका अपना व्यापार चलता रहे, बाकी सारे लोग भी इनकी बात सुनते थे। और इनका जो मुखिया हुआ करता था ना, उसको राजा महाराजा भी उनको सम्मान देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि राजा महाराजा को पैसे की जरूरत पड़ेगी, और इन लोगों का जो व्यवहार है वो सीधे सीधे राजा महाराजाओं के साथ में होता था। और राजा महाराजाओं को छोड़ करके एक और चीज ऐसी है जिसका बहुत ज्यादा महत्व रहा है और आज भी है, वो है धर्म। क्या है? धर्म। देखिए, एक होता है राज्य, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये नहीं, नेशन स्टेट, नेशन स्टेट जैसे कि भारत। तो भारत एक व्यवस्था है, एक देश है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं वो अपने को भारतीय मानते हैं और भारत के संविधान के अनुसार जीवन जीते हैं, ठीक है। तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान है, हम लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को भी बहुत महत्व देते हैं, बोलते हैं कि ये तो जीवन एक है, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, वो साइंटिफिक है कि नहीं है, उन सारी चीजों पर अभी डिस्कशन की बात नहीं है। बात यह है कि लोगों के जीवन को शेप दे रहा होता है धर्म, ठीक। तो धर्म और राज्य दोनों ही ऐसे विचार हैं जिनसे हमारा जीवन बहुत हद तक प्रभावित होता है। और बिजनेस क्या कर रहे होते हैं, जो लोग बिजनेस कम्युनिटीज होती थी ना, वो राजा महाराणा को तो सीधे सीधे पैसे की जरूरत है, लेकिन धर्म की भी संस्थाएं होती हैं, धार्मिक संगठन है या धार्मिक कोई त्योहार है या धार्मिक कोई इवेंट है, उन सारों को चलाने में भी पैसे की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई मंदिर बनाना है, कोई मस्जिद बनानी है, तो उसके लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये लोग क्या करते थे, धर्म से भी अपनी साठगांठ बना करके रखते थे। किससे? जो भी धार्मिक प्रचारक हैं या कोई मंदिर बनवाना है, वो सभी क्या करते थे, क्यों करते थे, क्योंकि उसके बाद इनकी मान्यता और ज्यादा बढ़ जाती थी। जो भी समाज में सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, राज्य और धर्म दोनों से इन लोगों का अच्छी पहुंच रहती थी, अच्छा व्यवहार रहता था, मंदिर वगैरह बनवाने में भी, भंडारे करवाने में, इन सब में ये लोग योगदान दिया करते थे। तो इससे हो क्या जाता था, इससे इन लोगों का काम चलता रहता था। और इन लोगों का काम चलना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तव में किसी भी जगह के रहने वाले लोगों की जो जीवन का स्तर है, वो अच्छा व्यापार जब किसी समाज में होता है तो बढ़ता है, क्योंकि अच्छा व्यापार होगा इसका मतलब अलग अलग तरह की वस्तुएं और सेवाएं मौजूद होंगी, तो सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो अल्टीमेटली इन्होंने किया तो अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन का जो फायदा है वो समाज के नुकसान का चीज हो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग पर्यावरण को बहुत बुरी तरह से प्रदूषित कर रहे होते हैं, लेकिन औसतन अगर आप देखो तो जो बड़ा उद्देश्य होता है वो था पूरे समाज को बेनिफिट होगा। अभी हम लोग भारत में ही बहुत सारे ऐसे सेंटर्स थे जो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यापार के दृष्टिकोण से, कॉमर्स के दृष्टिकोण से, इन सारे दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। और उन सब में आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे
बहुत ही पीछे चले आओगे तो 16 जनपद बोले आते थे, महाजनपद, वो राजनीतिक शक्ति से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही कुछ संगठन थे जो धार्मिक केंद्र हुआ करते थे। तो हम लोग अभी किसकी बात करेंगे, हम लोग मेनली उनकी बात करेंगे जो व्यापारिक केंद्र बहुत बड़े हुआ करते थे। तो वो देखने के बाद से फिर हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और टर्म्स लिखे हुए हैं मैंने बोर्ड पर। एक तो लिखा हुआ नगर सेठ। नगर सेठ क्या होता था कि जैसे ही अहमदाबाद अपना जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर जो सबसे बड़ा व्यापारी होता था या व्यापारियों की जो भी यूनियन है, उनकी कॉर्पोरेशन है, मर्चेंट कॉर्पोरेशन, उसका जो चीफ होता था उसको क्या कहते थे, नगर सेठ कहा करते थे। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आमदनी होती थी राज्य की, सीमा शुल्क कस्टम्स ड्यूटी होती जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं चुंगी कर। चुंगी का मतलब क्या होता है कि आप किसी शहर से निकल रहे तो आपको वहां से निकल सामान ले जाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो उसको बोलते थे चुंगी। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्ट्राई, ठीक है। और उसके बाद नौका कर, नाव से सामान इधर उधर जाया जाता था, तो जो भी सामान जाने वाला होता था उसके ऊपर टैक्स लगा करता था। तो ये सारी चीजें थी। और इसके साथ ही क्या हुआ करता था कि बाकी सारी चीजों में जो मैं अभी केंद्र के नाम बता रहा था, इसी में एक पॉइंट आ जाता है। मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें लिखा हुआ था, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वहां पर लिखा हुआ था क्या मुजीरिस। तो मुजीरिस जो है ना वो एक जगह हुआ करती थी, कहां पर, केरल के में ही कहीं पर थी। एग्जैक्टली कहां है इसको लेकर के अभी तक थोड़ा थोड़ा मतभेद है, एग्जैक्टली अलग अलग इतिहासकारों को थोड़ा अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इसका जो नाम है ना मुजीरिस का, वो बहुत सारे जो प्रथम शताब्दी थी यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले, उस टाइम पर मुजीरिस से कई चीजें जाती थी कहां पर, रोमन एम्पायर में, इसकी बात की गई थी। ये पिछले वीडियो में एक जगह पर लिखा हुआ था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था इसलिए इस वीडियो में बता दे रहा हूं। तो होता क्या था कि मुजीरिस का नाम बहुत जगह पर वर्णन आता है और मुजीरिस एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। एक्जैक्टली कहां पर है वो नहीं बताया गया था, तो एक पॉइंट छूटा था, इसको मैं बता दे रहा हूं। अभी जो अपने इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे भारत में उनकी हम लोग बात करते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।